हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं फिर से गैना फ्री फायर का एक और गेम खेलने वाला हूं और आप लोगों को एक और शानदार गेम प्ले यहां पे दिखाने वाला हूं। तो आई होप अगर आप इस गेम को खेलते होगे तो आप इस वीडियो को जरूर एंजॉय करोगे। दोस्तों, इसके साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल से कोई भी जो भी मेरे वीडियोज़ हैं उसको आप अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हो तो बेशक मेरे चैनल से वो डाउनलोड करके आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो, अपना मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हो, या फिर आप किसी भी अपने कंटेंट में एज इट इज़ मेरा पूरा का पूरा वीडियो यूज़ कर सकते हो। और मैं आप लोगों के मेरे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं उन सब के लिए मैं जो भी मेरा वीडियो होगा उनको क्रिएटिव कॉमन रखूँगा। क्रिएटिव कॉमन जो कि यूट्यूब की एक पॉलिसी है जो ये कहती है कि आप एक वीडियो को आप अनेकों चैनल पर यूज़ कर सकते हो और मैं आप लोगों को नहीं दूंगा और ना ही मुझे किसी क्रेडिट की ज़रूरत है। बस आप लोगों को चाहिए तो मेरे वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जगह पे पता नहीं कौन सी जगह है तो यहाँ पे मैं उतर चुका हूँ और मैंने यहाँ पे कर दिया है एक किल और मेरे पास यहाँ पे कुछ अच्छे वेपन्स तो आ चुके हैं लेकिन मेरे पास अभी बॉडी आर्मर वगैरह कुछ भी नहीं है और ना ही मेरे पास इतने ज़्यादा हेल्थ किट हैं। और मेरे पास अभी है एक हेल्थ किट और देखते हैं मैं यहाँ पे इस गेम के अंदर कितने बंदों को खेल कर पाता हूँ और जीत पाता हूँ कि नहीं जीत पाता। तो आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों और यहाँ पे मुझे चाहिए एक लेवल 3 का बैग या लेवल 2 का बैग, जो भी बैग मिल जाए। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बंदे को स्पॉट कर लिया और मैंने उस पर बुलेट फायर की और दोस्तों पीछे से किसी ने मेरे पे एक और भी बुलेट फायर की। तो दोस्तों, इस चीज़ को जब भी आप गेम खेलो तो इस चीज़ का आप लोगों को खास ध्यान रखना है। अगर आप पे पीछे से कोई बुलेट फायर हो रही है और आप किसी सामने वाले अपोनेंट या एनिमी को मार रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले अपने पीछे वाले अपोनेंट को मारना है, सामने वाले को छोड़ देना है, क्योंकि आप लोग सामने वाले को डैमेज दे रहे होते हैं और आपको कोई पीछे से डैमेज दे रहा होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को खास ख्याल रखना है, जैसे आप पे कहीं से भी बुलेट आती है तो आप लोगों को सामने वाले प्लेयर को छोड़ देना है, ना कि उसको किल करने की कोशिश करने है। दोस्तों, अगर उसको आप किल भी कर लोगे तब भी आपका किल हो जाएगा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ पे छत पे शायद कोई एनिमी है और यही मेरे पे यहाँ पे बुलेट फायर कर रहा था तो मैंने यहाँ पे अपनी गन चेंज करके उस पर मैंने कंटिन्यूस फायर करना स्टार्ट कर दिया और वो कहीं बंदा छुप गया है। दोस्तों, एक ये मेरे देख सकते हो आप, पीछे की साइड ही कोई एनिमी आया था और मैं अब इसको सबसे पहले किल कर देता हूँ। और दोस्तों, मेरे पास बुलेट काफ़ी कम है, 5 या 6 बुलेट बची हैं और ये देखिए दोस्तों, मेरे बुलेट 0 हो चुकी है और मेरी दोनों गन हो चुकी हैं खाली और अब मेरे पास सिर्फ एक शॉर्ट गन है। शॉर्ट गन में भी सिर्फ 2 बुलेट हैं और मेरे को पता है कि जो मेरा एनिमी है वो घर के ऊपर छत के ऊपर है। तो आप लोग देख सकते हो मैं इसको यहाँ से स्पॉट इजीली स्पॉट कर पा रहा हूँ। तो देखता हूँ इस साइड 2 बुलेट में ये मरता है कि नहीं मरता है या फिर ये मेरे को किल कर ही देगा। तो चलिए मैं देखता हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे और 1, 2 और दोस्तों मेरे पास अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है बुलेट और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी बुलेट्स या वेपन नहीं पड़ी और मुझे इस वक्त सख्त ज़रूरत है बुलेट की। अगर मुझे बुलेट नहीं मिली तो मेरा किल 100% है। और एक ये बंदा दोस्तों पेड़ के पीछे छिपा खड़ा है और ये देखिए पीछे से मेरे पे यहाँ पे बुलेट फायर की और इसने भाई साहब ने भी मेरे पे बुलेट फायर कर दी और इसने भी पूरा मौके का फ़ायदा उठाया क्योंकि दोस्तों मेरे पास अभी कोई भी वेपन्स है ही नहीं और वेपन्स के अंदर बुलेट भी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में सिर्फ उछल उछल के जंप करके कहीं भी एक कवर ले लेना है। और दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक गन मिल गई है और मैं यहाँ सबसे पहले अपना हेल्थ लगा लेता हूँ, हेल्थ किट। और आप लोगों को अपनी हेल्थ के ऊपर खास ध्यान देना है दोस्तों, जैसे ही आपकी हेल्थ कम होती है आप लोगों को तुरंत कहीं भी एक जगह ढूंढ कर अपनी हेल्थ रिकवर करनी है। दोस्तों, एनिमी अगर आप इस गेम के अंदर डटे रहते हो तो आप लोगों को एनिमी मिल जाएंगे किल करने के लिए। अगर आप जल्दी से नॉकआउट हो जाते हो तो ओबियसली यार आप लोगों गेम से बाहर हो जाओगे, आप लोगों को किल नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास यहाँ पे 3 किल और जिन्होंने मेरे पे मतलब बुलेट फायर की थी। तो चलिए मैं उन बंदों को वापस जाके यहाँ पे किल करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अभी सर्कल आने में भी काफ़ी टाइम है और वैसे मैं सर्कल से हूँ बाहर और वो बंदे भी सर्कल से बाहर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस मशरूम को खा लेता हूँ तो थोड़ी सी मेरी मतलब एनर्जी में बूस्ट आ जाए। तो मैं ले लीजिए भाई, मैंने इसको यहाँ से खा लिया और अब मैं चलता हूँ उन बंदों से वापस फाइट लेने क्योंकि अब मेरे पास आ चुकी है 30 बुलेट और एक अच्छी खासी गन भी है जो बर्स्ट मोड पे चलती है। तो देखते हैं अब वो बंदे वहाँ पे हैं कि नहीं, हो सकते हैं वहाँ पे अभी भी वो बंदे हों और ज़्यादा दूर नहीं गए हों, थोड़ा इधर उधर ही होंगे और मैं उनको ईजिली फाइंड करके किल कर ही दूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 3 किल और 30 अभी अलाइव हैं। तो मैं जल्दी से देखता हूँ वो बंदे हैं कहाँ पर क्योंकि वहाँ पे मैंने कम से कम 3 बंदों को छोड़ दिया था और क्योंकि मेरे पास आप
आपको पता ही है कि बुलेट खत्म हो गई, लास्ट में मेरे पास शॉर्ट गन के अंदर सिर्फ 2 बुलेट बची हुई थी। तो दोस्तों वो था बंदा इस घर के अंदर जो मेरे साइड में है, तो यहाँ पे शायद वो नहीं है। और यहाँ पे एक कैरेट पड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं इसमें कैरेट में से कुछ सामान उठा लेता हूँ और फिर उस बंदे को किल करता हूँ। और मुझे ये देखिए दोस्तों, अभी भी मेरे पास यहाँ पे बुलेट फायर कर ही रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे वो छुपा हुआ था और ये इस पहले इस साइड वाले घर में छिपा हुआ था और मैंने इसको यहाँ पे 2 बुलेट फायर किए, इसने दौड़ना स्टार्ट किया और आप लोग देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे ढेर कर दिया इस बंदे को। और दोस्तों इसके साथ एक बंदा और होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 बंदों को छोड़ा था, तो अभी मैंने एक बंदे को किल कर दिया और एक बंदा, देखिए दोस्तों मैंने कहा था ना कि एक बंदा और होना चाहिए, तो वो भी मेरे पे अभी कहीं से बुलेट फायर कर रहा है, कहाँ से कर रहा है मुझे नहीं पता और मैं उसको स्पॉट भी नहीं कर पा रहा। और मेरे पास छुप छुप के वो मेरे पे देखिए बुलेट फायर कर रहा है और मेरे को मैप में भी सिम्बल्स नहीं आ रहे कि मेरे पे बुलेट एक्चुअली में आ कहाँ से रही है। और भलाई इसी में है कि मेरे को इस घर के अंदर छुप जाना चाहिए और मेरे पास अब हेल्थ किट तो है नहीं। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कुछ सिचुएशन या कंडीशन होती है कि आप लोग बंदे को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो आप लोगों को कोई भी एक अपने मतलब बचाव के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे बंदा आ चुका है और ये लीजिए मैंने इसको यहाँ पे इजीली किल कर दिया। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बंदा आपको छुप के मार रहा है और आप उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों को एक जगह आराम से छिप कर बैठ जाना है और वेट करना है, वो बंदा जो आप लोगों को मार रहा था वो ज़रूर आपको मारने आएगा और तब तक आप लोगों को अपनी हेल्थ रिकवर कर लेनी चाहिए। और वो बंदा जैसे ही आए वैसे ही आपको उस बंदे पे अटैक कर देना था, क्योंकि दोस्तों अगर वो बंदा मेरे को यहाँ पे अब मारने नहीं आता, जैसे कि आप लोगों ने देखा घर के पास खड़ा होकर मार रहा था, तो उसके मतलब ओबियसली उसके दिमाग में ये था कि अब इसके पास बुलेट खत्म हो गई है या फिर ये बंदा डर के मेरे से छिप गया है। तो बस आप लोगों को यही चीज़ का फ़ायदा उठाना है और जैसे वो बंदा आता है आप लोगों को उसको किल कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक और मशरूम खा लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों इसके साथ ही हो चुके मेरे पास 5 किल और अभी आप देख सकते हो 19 अलाइव है, सॉरी दोस्तों और भी कम हो गए, यहाँ पे 17 अलाइव हैं और 5 मैंने किल कर दिए। तो देखता हूँ इन 70s में से मेरे को 7 किल और मिल जाए तो यार अच्छी बात होगी और काफ़ी मतलब धांसू ये गेम प्ले होगा। और तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई तो दिख नहीं रहा है दोस्तों, अभी सर्कल के अंदर मुझे जाना होगा। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी लूट करते हुए चलता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कार 90K पड़ी है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कार 90K और मैं इन्हीं दोनों गनों के साथ रहना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो दूसरी गन है या इस गन का नाम तो मुझे नहीं पता, ये भी एक्चुअली मतलब बर्स्ट मोड में ही चलती है, मतलब टैप टैप करके फायर होती है, मतलब ऑटो पे तो ये नहीं चलती। तो यहाँ पे दोस्तों शायद इसमें स्नाइपिंग टावर के ऊपर एक बंदा है दोस्तों और इसने गाड़ी लगा रखी है और मैं इसको ऊपर चढ़ के देखो ये किसी और को मार रहा है और ये नहीं है कि मेरे ऊपर भी कोई अपोनेंट आ चुका है। और ये सामने जो ऊपर एक गाड़ी खड़ी है वहाँ पे शायद किसी बंदे को मार रहा था, तो चलिए देखता हूँ ये वहाँ पे क्या लूट मिल सकती है। और इसने शायद उस बंदे को किल कर दिया है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 6 किल और 10 जने अलाइव हैं। तो मैं पहले देख लेता हूँ चारों तरफ, यहाँ पे अगर कोई बंदा होगा तो मैं उसको यहाँ से किल कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है और अब मैं चलता हूँ उस ये जो ड्रॉप में से जो गाड़ी गिरती है मैं इस गाड़ी को कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो गाड़ी के साथ जो बंदा था उसको इस स्नाइपिंग टावर वाले बंदे ने किल कर दिया और उसका साइड में कैरेट भी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से मैं पिकअप कर लेता हूँ गाड़ी और अब मैं गाड़ी से किल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब सर्कल हो चुका है छोटा और इजी रहेगा गाड़ी से किल करना। तो दोस्तों आप हमेशा लास्ट के सर्कल में गाड़ी यूज़ ज़रूर करें, गाड़ी यूज़ करोगे तो आप लोगों को इजीली ज़्यादा से ज़्यादा किल मिल पाएंगे। और लास्ट के सर्कल में आप लोगों को गाड़ी ज़रूर यूज़ करनी चाहिए अगर आप लोगों को किल चाहिए तो। अगर आप लोगों को लास्ट के सर्कल में दोस्तों गाड़ी नहीं मिलती है तो आप लोग अगर कोई गाड़ी लेके घूम रहा है तो आप लोगों को हमेशा घर के आसपास या पेड़ों के आसपास ही रहना चाहिए, मतलब कवर के अंदर रहना चाहिए। अगर आप अगर बाहर घूमोगे और गाड़ी वाले बंदे पे अगर आप फायर करने की कोशिश करते हो तो इजीली वो बंदा आप लोगों का किल कर देगा, क्योंकि दोस्तों गाड़ी जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप लोगों का गाड़ी पे कंट्रोल काफ़ी अच्छा होता है, ना कि क्योंकि बुलेट मतलब एक बुलेट आप लोगों को बंदे पे काफ़ी सारी फायर करनी पड़ती है लेकिन गाड़ी एक टक्कर में ही बंदे का किल कर देती है। देख सकते हो दोस्तों मैंने गाड़ी से भी यहाँ पे 2 किल कर दिए और 8 किल हो चुके हैं और ये अभी 5 बंदे अलाइव हैं और इनको भी मैं गाड़ी से मार मार के तोड़ दूंगा यहाँ पे। तो अभी तो दोस्तों पीछे की साइड शायद यहाँ पे 2 बंदे मेरे को स्पॉट हुए हैं, ये मतलब हेलिक
हेलीकॉप है कि क्या है क्या बोलते हैं इसका मेरे को नहीं पता। ये सारे मतलब ड्रोन से दिखा रहा है कि यहाँ पे दो पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे भी अभी दो बंदे हैं, तो एक बंदे को तो शायद सामने की ओर हो सकता है। मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी साइड बंदा है, तो यहाँ पे तो मुझे फिलहाल कुछ दिखा नहीं है। लेकिन अगर वो कहीं से मेरे को बुलेट फायर आती है या फिर मेरे को मैप में भी सिंबल दिखाई देते हैं तो भाई मैं उनका इजीली किल कर ही दूंगा, क्योंकि देख सकते हो मेरी गाड़ी की भी हेल्थ अच्छी है। मेरे पास भी अभी हेल्थ ठीक ठाक ही है, और अभी मेरे पास 4 हेल्थ किट भी पड़े हुए हैं, और मुझे अब लूट की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मेरे पास इतना सारा माल मटेरियल काफ़ी है और इन बंदों को किल करने के लिए, और अभी मेरे पास 8 किल हो चुके हैं और 4 अभी अलाइव हैं। और ये देखिए दोस्तों, मेरे पे किसी ने बुलेट फायर की, और ये लीजिए, और ये मैंने इसको उठा कर फेंक दिया। तो इसी के साथ ही दोस्तों मेरे पास हो चुके 9 किल, और दोस्तों अभी 3 बंदे अलाइव हैं। अभी 3 बंदे मतलब एक मैं हूँ और 2 मेरे अपोनेंट हैं जिनको मेरे को हराना है इस गेम में, और वो हारने के बाद ही मैं जीत पाऊँगा। अभी है कहाँ पे मेरे को नहीं पता है, और दोस्तों शायद कोई गाड़ी लेके आ रहा है, मेरे को गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो देखते हैं। मेरे पास तो बड़ी गाड़ी है, और उस बंदे के पास कौन सी गाड़ी होती है। और दोस्तों अगर आप लोगों के पास बड़ी गाड़ी है और आप लोगों के पास जैसे कि ड्रॉप में से गाड़ी मिलती है, तो अगर ये गाड़ी है तो आप लोगों को बिंदास किसी भी गाड़ी से भिड़ जाना है। लेकिन अगर आप लोगों के पास छोटी गाड़ी है खुली टाइप, तो आप लोगों को किसी गाड़ी से नहीं भिड़ना है, क्योंकि दोस्तों अगर बाइक हो तो ये बाइक को भी कुचल देगी, और दूसरी छोटी गाड़ी आती है उनको भी इजीली ये बड़ी वाली गाड़ी कुचल देती है, ट्रैक्स कुचल देता है। तो आप लोगों को कभी भी ये रिस्क नहीं लेना है कि आप लोगों के अगर पास छोटी गाड़ी है तो आप लोगों को ट्रैक्स से कभी भी नहीं भिड़ना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे को गाड़ी के सिंबल आ रहे हैं, और किस साइड है तो यहाँ पे सामने एक ऑटो रिक्शा पड़ा हुआ है, तो शायद ऑटो रिक्शा का तो वो सिंबल्स मेरे ख्याल से इसमें एनिमी नहीं थे, तो यहाँ पे कहीं होने चाहिए और पता नहीं कहाँ है, तो मैं उसको फाइंड करता हूँ यहाँ पे। और ये मेरे को ऑटो भी काफ़ी परेशान कर रहा है, यहाँ पे रोड पे खड़ा कर दिया है, पता नहीं किसका ऑटो है ये, और बंदे कहाँ है भाई। अभी मेरे पास 9 किल हो चुके हैं और मुझे अभी भी 2 बंदों को और किल करना है। दोस्तों मैंने इसको स्पॉट कर लिया, और ये देखिए ये मैं आप लोगों को कह रहा था दोस्तों, ये बंदा देखिए अपनी गाड़ी में फिर से घुस गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से टक्कर मारूंगा इसको यहाँ पे। और ये दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको फिर से टक्कर मारने की कोशिश की, और दोस्तों ये इस बंदे की सबसे बड़ी गलती है, साइड में आके मेरे पे बुलेट फायर कर रहा है, ये इसकी सबसे बड़ी गलती है इस बंदे की। क्योंकि दोस्तों मैं इसको अब देखिए कितना ईजिली किल कर दूंगा, ये देखिए, ओ ये देखिए, देखा मैंने इसको एकदम इजीली किल कर दिया। और दोस्तों इसी के साथ आप लोग देख सकते हो मेरी गाड़ी में काफ़ी डैमेज हो चुका है, और अब 2-3 बुलेट अगर कोई फायर करेगा तो मेरी गाड़ी में आग लग जाएगी। दोस्तों इस कंडीशन में आप लोगों को अपनी गाड़ी को छोड़ देना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, और ये जो लास्ट का बंदा बचा हुआ है, अगर ये प्रो प्लेयर है तो मेरे को भागना नहीं चाहिए, फाइट करनी चाहिए, और मेरे को भी मेरा इजीली किल ले लेता, क्योंकि फायर करते क्रिएट होती है। तो आप लोगों को कभी दौड़ना नहीं चाहिए, मरना तो भाई वैसे भी है, और तो क्यों ना हम सामने वाले अपोनेंट को मार के ही मरें। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और दोस्तों इस चैनल पे आप लोगों को हमेशा गेम प्ले के डिफरेंट डिफरेंट गेमों के गेम प्ले हमेशा मिलते रहेंगे, और आप उन सारे वीडियोज़ को अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।